ये कहानी है एक ऐसे एलियन की जो ब्रह्मांड में किसी और गैलेक्सी से धरती पर आ जाता है, क्योंकि उनकी अपनी गैलेक्सी खत्म हो चुकी थी। वो एलियन दिखने में भी लगभग इंसानों के जैसा ही था, लेकिन अब उसे धरती पर कब्जा करने के लिए सभी इंसानों और जानवरों को अपना गुलाम बनाना था। क्या वो अपने इस मिशन में सफल हो पाएगा या नहीं, या फिर इंसान ही उसे मार देंगे? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को सिटी के एक रेस्टोरेंट से। यहाँ पर ओलेग अपनी गर्लफ्रेंड एलिना के साथ बैठकर बातें कर रहा था। ओलेग अपनी तारीफ में एलिना को बताता है, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है। ओलेग की इन सभी बातों से एलिना बहुत इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हमें एक एरोप्लेन को दिखाया जाता है जो कि लैंड होने ही वाला था कि अचानक उसका इंजन काम करना बंद कर देता है और वो एरोप्लेन सीधा जमीन पर आकर गिरता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिर्फ एरोप्लेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर चुके हैं, और ऐसे ही देखते सभी जगह की बिजली चली जाती है और सारी दुनिया ब्लैकआउट हो जाती है। लेकिन फिर भी धरती पर कुछ जगह ऐसी थी जहां बिजली मौजूद थी, जिनमें से एक मॉस्को सिटी भी थी। मॉस्को सिटी की न्यूज पर दिखाया जाता है कि उनका पूरी दुनिया से कनेक्शन टूट चुका है। किसी को भी मालूम नहीं चल पा रहा था कि वहां के हालात कैसे हैं। ओलेग भी उसी न्यूज को देख रहा था, लेकिन उसे लगता है कि ये कोई आतंकवादी हमला है। इसके बाद ब्लैकआउट एरिया को क्वारंटीन जोन का नाम दे दिया जाता है और जिन जिन एरिया में लाइट थी उन्हें सर्कल ऑफ लाइफ का नाम दे दिया जाता है। मॉस्को सरकार क्वारंटीन एरिया की कंडीशन को जानने के लिए ड्रोन्स को वहां भेजती है, लेकिन रास्ते में ही सारे ड्रोन्स बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद उनके पास आर्मी को भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही सारे सोल्जर्स वहां पर लैंड करते हैं, उन्हें पता चलता है कि ब्लैकआउट होने के तुरंत बाद क्वारंटाइन जोन के सारे लिविंग बीइंग्स जैसे फिश, कैट्स, डॉग्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके हैं। सोल्जर्स छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी एक सोल्जर पर एक अननोन इंसान अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड करके उसके सारे हथियार लेकर वहां से भाग जाता है। सभी सोल्जर्स उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन उसको खरोच तक नहीं आती, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। देखते ही देखते एक महीना गुजर जाता है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चल पाता कि वो किसी बड़े खतरे से जूझ रहे हैं। इसलिए सरकार अपने सारे स्पेशल फोर्सेस को एक नए मिशन के लिए तैयार करती है, जिसके बाद हमें इस मूवी के एक और लीडिंग कैरेक्टर यूरी के बारे में दिखाया जाता है, जो कि अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ को भूलने की बीमारी थी, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही यूरी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ को पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद सोल्जर्स का एक नया बैच बनाया जाता है, जहां लेफ्टिनेंट मरीना क्वारंटीन जोन से मिली डेड बॉडीज की फोरेंसिक रिपोर्ट का खुलासा करते हुए सभी सोल्जर्स को बताती है उन सभी की मौत न्यूरोटॉक्सिन जहर की वजह से हुई है, जो कि उनकी अपनी ही बॉडी ने खुद से पैदा किया था, क्योंकि किसी रहस्यमयी चीज ने उनकी बॉडी को ऐसा करने पर मजबूर किया था। दिन ढलते ही सारे स्पेशल फोर्सेस क्वारंटीन जोन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस फोर्स में ओलेग भी शामिल था और उसे उसकी हाल ही में बनी हुई गर्लफ्रेंड एलिना भी नजर आती है, जो पूरे दल के साथ एज ए डॉक्टर जाने वाली थी। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ का इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। सारे सोल्जर्स अपनी पोजीशन लेकर जंगल की तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट मेरिना बताती है कि जंगल से कोई चीज काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है, जो कि साइज में उनसे काफी बड़ी है। तभी वो सारे जीव सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और सारे सोल्जर्स भी अपने बचाव में अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे। फिर हमें ये पता चलता है कि वो सारे जंगली जीव भालू थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भालुओं ने उन पर झुंड में हमला क्यों किया था। नेक्स्ट सीन में हमें ओलेग को दिखाया जाता है, जो कि बीती रात जंग में इंजर्ड हो गया था और उसकी गर्लफ्रेंड एलिना उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। ये वाली ट्रीटमेंट बाकी की ट्रीटमेंट से थोड़ी हटकर थी। एनीवे, आगे बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। शहर के दूसरे हिस्से में साशा नाम का एक लड़का हॉस्पिटल में एडमिट था। ब्लैकआउट के बाद से ही साशा के साथ थोड़ी अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। उसे बहुत से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। उसे काफी अजीबोगरीब सपने भी आते थे, जिसमें कोई गंजा आदमी उसे तंग कर रहा होता है। ब्लैकआउट के बाद साशा के पास कुछ सुपर पावर्स आ गई थी। आंख खुलते ही उसके सामने ज़ेनिया नाम का एक आदमी आता है, जो खुद को उसका दोस्त बताता है। वो उसे बताता है ये सब वेव अटैक के कारण हो रहा है। पहली वेव ने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ठप कर दिया और दूसरी वेव ने सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को जान से मार दिया।
और तीसरी वेव जो भी क्वारंटीन जोन के अंदर सर्वाइवल्स बचे हैं उनसे उन्हीं के लोगों पर हमला करवाएगी और वो सर्वाइवल्स हमेशा के लिए सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाएंगे। इससे हमें ये मालूम चलता है कि क्वारंटीन जोन के अंदर अभी भी बहुत से लोग जिंदा हैं, लेकिन साशा को ज़ेनिया की किसी बात पर कोई भरोसा नहीं होता और वो घबराकर गार्ड को आवाज लगाता है, लेकिन गार्ड्स को वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता क्योंकि साशा ज़ेनिया से सिर्फ अपने माइंड में ही बातें कर रहा था और ज़ेनिया फिजिकली रूप में कमरे में मौजूद ही नहीं था। इन सब घटनाओं की वजह से सर्कल ऑफ लाइफ के सारे सिविलियन रोड पर उतर आते हैं और वो अपने ही सोल्जर्स पर अटैक करने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब गवर्नमेंट की चाल है। दूसरी तरफ हमें आउटपोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे सोल्जर्स ग्रुप बनाकर क्वारंटीन जोन के मिशन के लिए रवाना होते हैं। उन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप ओलेग और उसके फ्रेंड यूरी का होता है। रास्ते में उन्हें पूरा क्वारंटीन जोन तबाह हुआ मिलता है। एरोप्लेन के क्रैश होने की वजह से पूरा ब्रिज टूट चुका था और ज्यादातर बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। पहले भेजे गए आर्मी के टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स सब खिलौनों की तरह बिखरे पड़े थे। यूरी ओलिया नाम के मीडिया ग्रुप के साथ सेफ्टी क्रॉफ टाउन में पहुंच जाता है जहां उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन कैंप लगाना था। दूसरी तरफ ओलेग और एलिना अपनी टीम के साथ क्वारंटीन जोन के कारखेन नाम के टाउन में पहुंच जाते हैं। सोल्जर्स अपने अपने एरिया में निगरानी कर रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन ना तो उन्हें वहाँ कोई इंसान नजर आता है ना ही उनकी लाशें। नेक्स्ट सीन में हमें साशा को दिखाया जाता है जहाँ उसे मिलने आईडी नाम का एक आदमी आता है जो कि दिखने में बहुत ही बेहुदा लग रहा था। वो खुद को इंसानों जैसा एलियन बताता है। वो साशा की सुपर पावर की हेल्प से इन सभी हादसों को अंजाम देने वाले की खोज करना चाहता था। वो विलन कोई और नहीं बल्कि आईडी का भाई रॉ था। वो भी आईडी की तरह ही एक एलियन था। आईडी बताता है जब ब्लैकआउट हुआ था तब तुम सर्कल ऑफ लाइफ और क्वारंटीन जोन के बॉर्डर पर थे जिस वजह से तुम में ये पावर्स आई हैं। साशा को कुछ समझ आता उससे पहले ही वहाँ लेफ्टिनेंट मेरीना अपने सोल्जर्स के साथ आ जाती है और आईडी पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन आईडी मेरीना के सोल्जर्स का माइंड मैनिपुलेट कर लेता है जिससे सोल्जर्स को मेरीना आईडी की तरह दिखने लगती है और आईडी मरीना की तरह। इससे होता यह है कि सारे सोल्जर्स मरीना पर ही गन पॉइंट कर देते हैं। आईडी मरीना से कहता है अगर तुम्हारी मानव जाति को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। इसके बाद मेरीना आईडी को इंटेरोगेशन रूम में ले जाती है। आईडी बताता है कि वो और उसके लोग अर्थ के जैसे ही एक प्लेनेट के रेजिडेंट हैं। काफी साल गुजर जाने के बाद भी हम लोग बूढ़े नहीं होते और ना ही हम कभी मरते हैं जब तक हमें कोई मार ना दे। वो बताता है जल्द ही हमारे प्लेनेट का सूरज डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए हमें एक नए प्लेनेट की तलाश है जिसके लिए हमने तुम्हारे प्लेनेट अर्थ को चुना। इसीलिए मुझे और मेरे भाई रो को धरती पर भेजा गया है ताकि हम बाकी लोगों को यहाँ लाने के लिए अर्थ को अच्छे से तैयार कर सकें। और तो और धरती पर बनाए गए अंडर वाटर वर्ल्ड और पिरामिड्स जैसी चीजें 2,00,000 साल पहले हमने ही बनाई थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि रो तुम सबको खत्म कर दे। मैं उसे रोकना चाहता हूँ। और तो और अगले 48 घंटों में हमारी स्पेसशिप यहाँ पर पहुँचने वाली है। रो अपने प्लान के मुताबिक क्वारंटीन जोन के सारे सर्वाइवल्स को कठपुतली की तरह यूज करके तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल करने वाला है। मरीना को आईडी की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। दूसरी तरफ यूरी की टीम को क्वारंटीन जोन में एक जख्मी बच्चा दिखाई देता है जो कि खुशकिस्मती से जिंदा था। वो लोग उसकी मदद करते हैं, उससे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो बच्चा एक सोल्जर के गले में चाकू घोप कर मार देता है। यूरी को ना चाहते हुए भी उस बच्चे को शूट करना पड़ता है। ओलिया ये सब देखकर घबरा जाती है। हालांकि ये होने वाली जंग की सिर्फ एक शुरुआत थी। रात होते ही क्वारंटीन जोन के अंदर रो के कंट्रोल में जो ह्यूमंस थे वो सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं जिसके बाद उन सभी के बीच भयानक जंग छिड़ जाती है। यूरी के बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे इसलिए वो अपनी मदद के लिए आउटपोस्ट की तरफ फ्लेयर गन चलाता है। इससे पहले बाकी के सोल्जर्स उनकी मदद करने के लिए आते बाकी टीम्स भी फ्लेयर गन के थ्रू मदद मांगने लगती हैं। अब ये बेचारे भी कंफ्यूज थे कि वो किसकी मदद करने के लिए जाएं। मेरीना को खबर मिलते ही उसे आईडी की कही सारी बात सच होती नजर आती है और अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो आईडी से हेल्प मांगती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आईडी मानव जाति की मदद क्यों करना चाहता है? क्यों वो अपने ही भाई को मारना चाहता है? क्या एलियंस के पास भी दिल या इमोशंस होते हैं? आईडी मरीना से कहता है कि मुझे रो को ढूंढने के लिए साशा की जरूरत पड़ेगी। रो को मारते ही मैं उन मानव कठपुतलियों को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। मेरीना आईडी और ज़ेनिया के साथ आर्मी बेस पर पहुंचती है। किसी को भी आईडी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था। इसी बीच यूरी की टीम पर एक बड़ा अटैक होता है जिससे एक एक करके सारे टीम मेंबर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ यूरी और ओलिया ही
जिंदा रह गए थे। हमलावरों की संख्या कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए वो बाकी के टीम मेंबर्स के पास जाने की कोशिश करते हैं ताकि साथ मिलकर उनका सामना किया जा सके। इधर आईडी साशा को उसकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखा रहा था ताकि वो रो की पोजीशन का पता लगा सके। कुछ देर कोशिश करने के बाद फाइनली रो की लोकेशन का पता चल जाता है, जो कि क्रॉस सिटी की एक बिल्डिंग पर है, और वहीं से वो सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है। ये वही सिटी थी जहां यूरी और ओलिया अकेले फंस जाते हैं। आईडी मैरीना से तुरंत केरोव की तरफ निकलने के लिए कहता है। वो लोग निकलने की तैयारी करते हैं, तभी उन्हें पता चलता है पपेट्स ने सर्कल ऑफ लाइफ पर भी अटैक कर दिया है। इसका मतलब ये था कि अब रॉ का थर्ड वेव असर दिखाने लगा है। बिल्कुल समय गवाए बिना आईडी मैरीना और उसके सोल्जर्स केरोव की तरफ निकल पड़ते हैं। साशा आईडी से कहता है कि रो ने मुझे देख लिया है, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन आईडी कहता है तुम यहाँ बेस पर ज्यादा सुरक्षित हो, वहाँ तुम्हारी जान जा सकती है। ये कहकर आईडी मरीना के साथ निकल पड़ता है। मरीना के बेस कैंप से कुछ दूर निकलते ही रो साशा की लोकेशन को जान जाता है और साशा को मारने के लिए मिसाइल से अटैक कर देता है। बेस कैंप के सोल्जर्स मिसाइल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और दूर खड़ी मरीना की आंखों के सामने पूरा बेस कैंप बुरी तरह से तबाह हो जाता है और बेचारा साशा वहीं मारा जाता है। ये देखकर मरीना को बहुत गुस्सा आता है और वो आईडी पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है तुम ये सब पहले से ही जानते थे, क्यों तुमने ये घटिया हरकत की। जिस पर आईडी उसे कहता है कि सिर्फ हम ही लोग ऐसे हैं जो पूरी मानव जाति को बचा सकते हैं। रो को साशा की लोकेशन का पता चलना ही था और अगर वो हमारे साथ होता तो अब तक हमारा भी कबाब बन चुका होता, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अगली सुबह यूरी और ओलिया को ओलेक की टीम मिल जाती है। थोड़ी देर बाद मैरीना और उसका ग्रुप भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। बेस कैंप पर हुए हमले और सर्कल ऑफ लाइफ पर हुए हमले के बारे में उन्हें सब कुछ बताया जाता है। इसका मतलब ये था कि धरती पर हमारे अलावा कोई और जिंदा नहीं बचा, जिसके बाद सभी लोग टाइम जाया ना करते हुए उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं जहां रो था। लेकिन रास्ते में ह्यूमन पपेट्स उनका रास्ता रोकने लगते हैं, जिसके बाद उन लोगों के बीच वॉर छिड़ जाती है। सभी सोल्जर्स समझ चुके थे कि ये लोग वापस नॉर्मल नहीं हो सकते, इसलिए वो इन लोगों की परवाह किए बिना इन्हें मारते हुए, इन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ पपेट्स तो अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर उनके ऊपर कूद रहे थे। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद सोल्जर्स फाइनली उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद आईडी कुछ सोल्जर्स को बिल्डिंग के टेरेस पे अपने साथ चलने के लिए कहता है और बाकी सोल्जर्स उन लोगों की भीड़ का सामना करने के लिए बिल्डिंग के नीचे खड़े थे। इसके बाद फाइनली यूरी और आईडी का रो से सामना होता है। यूरी रो पर हमला करता है, लेकिन वो उसे एक ही झटके में दूर फेंक देता है। फिर हमें रो और आईडी के बीच ताबड़तोड़ फाइट देखने को मिलती है। वो दोनों एक से बढ़कर एक थे। दूसरी तरफ बाकी के सोल्जर्स को हमलावरों से लड़ने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनकी संख्या लाखों में थी, जिसकी वजह से काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और तो और वो लोग पेट्रोल से भरे ट्रक से सोल्जर्स पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से सोल्जर्स वहीं मारे जाते हैं। और अब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 सोल्जर्स जिंदा बचे थे जो उनका डटकर सामना कर रहे थे। ओलेग और बाकी के लोग अपनी जान बचाकर बिल्डिंग के ऊपर भागते हैं। सारे पपेट्स अपने मास्टर रो की मदद करने के लिए बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि वो ऊपर आ पाते, आईडी रो पर जोरदार हमला करता है और उसके सीने से एक एलियन टाइप दिल बाहर निकाल लेता है। मौका देखते ही यूरी रो के दिल की जगह पर एक ग्रेनेड डाल देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। रो की मौत के बाद आईडी को उन लोगों के दिमाग पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है और वो उन्हें एक ही झटके में मार देता है। जितने लोग बिल्डिंग के टेरेस पे थे, सिर्फ उतने ही लोग धरती पर अब जिंदा थे। तो वो जंग तो जीत गए थे, लेकिन उन्हें कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि जमीन पर करोड़ों बेगुनाह लोगों की लाशें पड़ी थी। आईडी उन्हें बताता है इंसानों में प्यार और रहम कुछ नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। इसलिए रो इंसानों को खत्म करना चाहता था ताकि एलियंस शांति से यहाँ रह सके, लेकिन मेरा मकसद कुछ और ही था। इसी के साथ इस मूवी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। दरअसल आईडी मानव जाति की मदद इसलिए कर रहा था ताकि वो लोग उसे अपना मसीहा मान लें और उसे भगवान की तरह पूजना शुरू कर दें। उनमें से एक आईडी से गुस्से में पूछता है कि तुम सब कुछ जानते थे तो तुमने ब्लैकआउट क्यों होने दिया। तो वो बताता है अगर मैं उसे रोक लेता तो किसी के दिल में मौत का खौफ नहीं होता और कोई मेरी बात नहीं सुनता, और इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए तुम लोग काफी हो। इसका मतलब ये एलियन स्टार्टिंग से ही अपना मकसद पूरा कर रहा था, जिसे अंजाम देने के लिए इसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। ये सब सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है और एलिना आईडी पर गन पॉइंट कर देती है, जिसपे यूरी उसे कहता है अपनी गन नीचे करो, इसके जैसे लाखों आ रहे हैं, उन्हें कैसे रोकोगी, इसका जिंदा रहना जरूरी है।
ये लोग बात कर ही रहे थे, ज़ेनिया आईडी पर चाकू से हमला करता है। आईडी उसका माइंड मैनिपुलेट करके मैरीना पर हमला करवा देता है और वो मारी जाती है। इसके बाद गुस्से में ओलेग भी आईडी को मारने आगे बढ़ता है। यूरी उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। यूरी ओलेग को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था कि तभी ओलिया यूरी पर शूट कर देती है, जिसके बाद आईडी ओलेग के पिता का मल्टी रूप लेकर उसे कंफ्यूज करता है। तभी अचानक से ज़ेनिया आईडी की रियल बॉडी को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और फाइनली ज़ेनिया के साथ साथ आईडी भी मारा जाता है। अब सिर्फ यही चार लोग आने वाले एलियंस का सामना करने के लिए जिंदा बचे थे। कुछ ही देर में एक नई स्पेसशिप वहां पर लैंड कर जाती है। इस स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है लेकिन कोई बाहर नहीं आता, जिसके बाद वो अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। वहां उन्हें लाखों एलियंस के चैम्बर्स नजर आते हैं, जिनके अंदर वो सभी सो रहे थे। तभी एक अजीब सा लिक्विड उन चैम्बर्स में फ्लो करने लगता है, जिसके बाद उन सभी को होश आने लगता है। एलिना बताती है ये जरूर इनका ऑक्सीजन सप्लाई होगा, इसलिए उनके जगने से पहले ओलेग एक एक को शूट करने लगता है, लेकिन उनके पास इतनी बुलेट्स नहीं थी कि वो सबको शूट कर सके। जिसके बाद वो लोग मेन सप्लाई को ढूंढते हैं और एक्स मार कर उसको तोड़ देते हैं, जिस वजह से वो सारे एलियंस जगने से पहले ही मारे जाते हैं। बस कुछ ही चैम्बर्स बाकी रह गए थे जहां उन्हें एलियंस के मासूम बच्चे नजर आते हैं। तभी उन लोगों को आईडी की कही हुई बात याद आती है कि इंसान बहुत मतलबी और बेरहम है, बस इसी वजह से वो लोग बेबी एलियंस को नहीं मारते। कुछ ही देर में काफी सारे छोटे एलियंस बाहर आ जाते हैं, जो दिखने में बिल्कुल आईडी के जैसे थे, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।